नए टॉपिक के साथ आपसे मिले हैं। वो टॉपिक है टेंस। बेसिकली नाइन्थ और टेंथ में इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। वो कौन सा है? प्रेजेंट। हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट आज हम करेंगे पास्ट एंड फ्यूचर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पास्ट देखते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट करा था सेम वैसे ही है पास्ट, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। देखिए पास्ट का पहला वर्ब कौन सा होता है, प्रेजेंट का पहला वर्ब कौन सा होता है? इंडेफिनेट। पास्ट का पहला वर्ब कौन सा है? इंडेफिनेट। क्या टाइप क्या है? इंडेफिनेट। ओके, सो प्रेजेंट में इंडेफिनेट का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और कुछ चेंज नहीं है। सो उसमें फर्स्ट फॉर्म थी, इसमें कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। प्रेजेंट में कौन सी थी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट फर्स्ट पार्ट है, पास्ट सेकंड पार्ट है, फ्यूचर हमारा थर्ड पार्ट है। सो पास्ट हमारा सेकंड पार्ट है, तो कौन सी फॉर्म आ जाएगी? सेकंड फॉर्म। इस तरीके से आपको याद रहेगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। एग्जांपल देखिए, शी सैंग आई कैप्ट द पेपर। ये देखिए आप सैंग, सिंग नहीं लिखा मैंने, सैंग। सिंग की सेकंड फॉर्म सैंग, कीप की सेकंड फॉर्म कैप्ट। कौन सी फॉर्म आ गई? सेकंड फॉर्म। कुछ इजे हमारा कुछ यूज है, जिससे हमें क्या पता चल रहा है कि पास्ट का इंडेफिनेट टेंस है। ओके, सो पास्ट बेसिकली होता क्या? सबसे पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनेट हमें कैसे पता चलेगा, या पास्ट इंडेफिनेट हमें कहाँ पे यूज करना है। पास्ट इंडेफिनेट वो काम होता है जो अभी पास्ट में कम्प्लीट हो चुका है, जो हमारा वर्क एकदम कम्प्लीट है। ओके, वो किसमें आता है? आपका पास्ट में। वो गाना गाने का जो काम था उसका वो कम्प्लीट हो चुका है एकदम। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इंडेफिनेट। बेसिकली अफर्मेटिव टेंस है। कौन सा टेंस है हमारा? अफर्मेटिव। नेगेटिव देखिए, ये कौन सा टेंस है? ये हमारा था अफर्मेटिव। नेगेटिव देखिए, शी डिड नॉट सिंग, शी डिड नॉट सिंग। अब आपको ये डाउट आएगा कि हमने तो सेकंड फॉर्म पढ़ लिया, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म कैसे आ गई? बेसिकली डिड जो था ये सेकंड फॉर्म हमने यहाँ पे यूज कर ली है, तो हम दोबारा से इसकी सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे। डिड हमने ऑलरेडी सेकंड फॉर्म यूज कर लिया, डू डिड, तो हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑलरेडी यूज कर ली, इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ गई हमारी फर्स्ट फॉर्म। दो बार सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, क्या आगे? शी डिड नॉट सिंग। नेक्स्ट देखिए, children did not play. The children did not play. Not क्यों आया? Negative tense है। The children did not play. Basically जो present है उसमें do आता है और does आता है, और indefinite में past में क्या आता है? सिर्फ did आता है। The children did not play. Played क्यों नहीं आया या कुछ और क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे already हमने second form use कर दी है, did। इतना clear हो गया? नेक्स्ट देखिए, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होता है? क्वेश्चन मार्क, जिसमें हम क्या पूछते हैं? अपना क्वेश्चन पूछते हैं। क्या पूछते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं। डिड शी सिंग? सॉरी, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे अपनी सेकंड फॉर्म यूज कर दी, तो यहाँ पे क्या आएगा? सिंग। डिड शी सिंग, यहाँ पे हमने क्या यूज किया? क्वेश्चन मार्क। हमने से क्वेश्चन पूछा, डिड शी सिंग, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिड द चिल्ड्रन प्ले? डिड द चिल्ड्रन प्ले, क्या बच्चे खेल रहे हैं? डिड द चिल्ड्रन प्ले? डिड शी सिंग? डिड द चिल्ड्रन प्ले? इसमें आ जाएगा हमारा जो ये फॉर्म है हमारी पहले आ जाती है, बाकी सब पास बाद में चला है, क्योंकि क्वेश्चन हम पूछते हैं। नेगेटिव में नॉट आ जाता है, अफर्मेटिव में सिंपल टेंस होता है। ये था आपका पास्ट का फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनेट। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, दैट्स इट। इसमें हमने सेकंड फॉर्म क्यों यूज नहीं की? क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे अपनी सेकंड फॉर्म यूज कर ली है। पास्ट
का फर्स्ट पार्ट था ही हमारा। सेकंड देखिए, प्रोग्रेसिव लिख लीजिए या फिर कंटिन्यूअस, कुछ भी लिख लीजिए जो आपका मन हो। प्रेजेंट में हमने क्या यूज किया था? इज एम। आर क्या यूज किया था हमने? इज एम। आर क्या यूज किया था हमने? इज एम। आर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, आई एन जी, ऑब्जेक्ट। कुछ भी चेंज नहीं है सिर्फ इसके अलावा। प्रेजेंट में क्या था? इज एम आर। पास्ट में क्या हो जाएगा? वाज एंड वर। क्या आ जाएगा हमारा पास्ट में? वाज एंड वर। क्या आ जाएगा? वाज एंड वर। सब कुछ सेम है। एग्जांपल देखिए, ही वाज राइटिंग अ लेटर। कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है। अगर प्रेजेंट में होता तो क्या होता? ही इज राइटिंग अ लेटर। पास्ट है, वो अपने लेटर का काम कंप्लीट कर चुका है, कंप्लीट हो गया उसका। ही या वो कंप्लीट कर रहा था। प्रोग्रेसिव क्या होता है? कंटिन्यूअस। मैं आपको प्रेजेंट में बताया था जो काम आपकी कंटिन्यूटी में हो, लेकिन जो काम आपका पास्ट में कंटिन्यूटी में चल रहा था वो क्या हो गया? प्रोग्रेसिव। ही वाज राइटिंग अ लेटर, वो अपना लेटर लिख रहा था, वो अपने लेटर का काम कर रहा था, उस टाइम पे कंटिन्यूटी में था। सो ही वाज राइटिंग अ लेटर। एग्जांपल और देखिए, ही वाज लेटर she was coming from Delhi, or she was coming from the playground, was coming, okay? इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। ये था हमारा प्रोग्रेसिव टेंस। नेगेटिव में देखिए क्या आ जाएगा? He was not writing a letter, she was not coming. सिर्फ not use होगा। क्या use होगा? सिर्फ not. He was not writing a letter. He was not writing a letter. The children were not playing. The children were not playing. Children नहीं खेल रहे हैं। He was not writing a letter. वो letter नहीं लिख रहा है। Interrogative में क्या आ जाएगा? जो आपके जो was, were, ये सब क्या आ जाएंगे? आपके पहले आ जाएंगे। जैसे कि was he writing a letter? क्या वो लेटर लिख रहा था? सिर्फ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा। नेगेटिव में आपका नॉट आ जाएगा। प्रोग्रेसिव जैसे आपका प्रेजेंट में था वैसे ही है, सिर्फ वाज और वर आएगा। क्या आ जाएगा? सिर्फ वाज और वर में चेंज आएगा। दैट्स इट। इतना नोट डाउन कीजिए। ध्यान हम इसके थर्ड वर्ड पे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, कौन कौन से कर चुके हैं? इंडेफिनिट हमारा डन हो चुका है, प्रोग्रेसिव डन हो गया है। नेक्स्ट वन इज परफेक्ट। जो काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, जो काम पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, लाइक मैं अपना खाने खाने का काम कंप्लीट कर चुकी हूँ। इसमें क्या चेंज आ जाएगा? इसमें क्या होता है? हैज या हैव। इसमें क्या आ जाएगा आपका? हैड। बस सिंपल सिर्फ हैड आएगा, कुछ भी चेंज नहीं है। सिर्फ क्या आ जाएगा आपका? हैड आ जाएगा। वहां पे क्या होता है? हैज और हैव का। क्या होता है वहां पे? हैज और हैव का। एग्जांपल देखिए, ही हैड टेकन हिज लंच। ही हैज टेकन हिज लंच। क्या वो अपने लंच करने का काम कंप्लीट, क्या उसे अपना लंच करने का काम कंप्लीट कर लिया है? वो अपने लंच करने का काम कंप्लीट कर चुका है। I had read this book. I had read this
बुक आई हैड रीड दिस बुक मैं अपने बुक कम काम बुक रीड करने का काम अपना कंप्लीट कर चुकी हूं आई हैड रीड दिस बुक परफेक्ट क्या होता है जिसमें उसका काम एकदम परफेक्ट हो गया होता है इसे क्या कहते हैं परफेक्ट करियर हो जाऊं नेगेटिव में भी कुछ नहीं आएगा क्या आएगा सिर्फ he had not taken his lunch I had not read this book that's it simple tense बिल्कुल I hope आप लोगों को tense समझ में आ रहे होंगे देखिए नेगेटिव में क्या आ जाएगा सिर्फ not आएगा he had not taken अच्छा taken क्यों आया या फिर take या taking क्यों नहीं आया क्योंकि यहाँ पे वो आपके थर्ड फॉर्म आते हैं ऐसे ही प्रेजेंट में था वो आपकी कौन सी फॉर्म थी थर्ड फॉर्म थी टेकन हिज लंच आई हैड नॉट रीड दिस बुक इंटरोगेटिव में क्या आ जाएगा हैड ही टेकन दिस लंच हैड आ जाएगा पहले हैड क्या आ जाएगा पहले आ जाएगा देखिए कैसे लगाना बिल्कुल ना बोले क्योंकि इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव में क्या आता है आपका क्वेश्चन मार्क आता है नेगेटिव में नॉट आता है लगाना ना बोलिए अफर्मेटिव सिंपल होता है मैं सेम एग्जांपल ले रही हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कैसे चेंज हो गए कहां पे नॉट आ गया सेम एग्जांपल के थ्रू करिए नोट डाउन यह हमारा थर्ड पार्ट था लास्ट वन बचा है बस अब हमारा परफेक्ट प्रोग्रेसिव या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो आप चाहते हो वो आप लिख सकते हो इसमें क्या आ जाएगा सेम उसके जैसा है सब्जेक्ट प्रेजेंट में क्या होता है हैज और हैव यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास कोई डेफिनेट टाइम
नहीं हमारे पास क्या इनडेफिनेट टाइम है, हमने क्या यूज़ किया फॉर मॉर्निंग, हमें पता था कि मॉर्निंग कब होती है, सुबह ही होती है, तो वहाँ पे हमने क्या यूज़ किया सिंस, के हमें पता था कि ये एग्जैक्ट टाइम है मॉर्निंग है। इतना क्लियर हो गया, ये हमारा अफर्मेटिव था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। कौन सा टेंस है ये हमारा? अफर्मेटिव। अब इसमें नेगेटिव देखिए, यहाँ पे बीच में आ जाता है they had not been waiting, they had not been waiting here since morning, वो आपका वेट नहीं कर रही थी। नेगेटिव में आ गई, आपका नेगेटिव में क्या आता है आपका नॉट आता है, नेगेटिव में क्या आता है नॉट आता है, अफर्मेटिव आपको सिंपल आता है, इंटरोगेटिव में क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब इसमें इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क कैसे आएगा, ये जो है ये आपका पहले आ जाएगा, जैसे had they not been waiting here, had they, sorry not तो नेगेटिव में आते हैं, had they been waiting here, had they been waiting here question mark, इसमें हम अपना क्वेश्चन पूछते हैं, नेगेटिव में नॉट आ जाता, अफर्मेटिव में सिंपल आता है, दैट्स इट, पास्ट टेंस कुछ भी नहीं था। अब मैं इसे फटाफट से समराइज कर देती हूँ। पास्ट में इंडेफिनिट टेंस था जो कि आपको पास्ट में काम जो कंप्लीट हो चुका होता है, डन हो चुका होता है, उसमें क्या होता है इंडेफिनिट, सिर्फ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, नथिंग एट ऑल और कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रोग्रेसिव, जिसे हम कॉन्टिन्यूस टेंस भी कहते हैं, नाम से पता चला है कॉन्टिन्यूस, जो काम आपका कॉन्टिन्यूटी में होता है पास्ट में, जो काम आपका कॉन्टिन्यूटी में कंप्लीट चल, जो आपका पास्ट में चल रहा है कॉन्टिन्यूटी में है, जैसे कि मैं अपना खाना खा रही थी, मैं आपका अपना पास्ट में काम में कर रही थी। ओके नेक्स्ट इज परफेक्ट टेंस, जो कि आपका पास्ट में काम कंप्लीट हो चुका है, लाइक मैं अपना खाना खाने का काम में कंप्लीट कर चुकी हूँ, ये मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखने का काम अपना कंप्लीट कर चुकी हूँ। नेक्स्ट वन इज परफेक्ट प्रोग्रेसिव या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही कंप्लीट हो गया, पास्ट में स्टार्ट हुआ पास्ट में ही कंप्लीट हो गया, लाइक कि वो आपका वेट कर रही थी, वो आपको मॉर्निंग में वेट करते हो, वो वेट हो चुका, आपका काम कंप्लीट हो चुका है। पास्ट समझ में आ गया आप लोगों को, नोट डाउन करिए, देन हम अपना फ्यूचर टेंस स्टार्ट करते हैं और आज हम अपना टेंस एकदम कंप्लीट कर देंगे। फ्यूचर देखिए, फ्यूचर बेसिकली कुछ और नहीं होता, फ्यूचर बहुत सिंपल है। फ्यूचर में क्या होता है, मुझे नहीं पता कि मैं पढ़ाने के बाद क्या करूँगी, मुझे नहीं पता कि मैं पढ़ाने के बाद में क्या करूँगी, मैं खाना खाऊंगी या मैं अपनी पढ़ाई करूँगी या कुछ नोट्स बनाऊंगी, आई डोंट नो कि मैं क्या करूँगी इन फ्यूचर। सो फ्यूचर जो है वो आपकी प्रिडिक्शन पे बेस्ड होता है, प्रिडिक्शन मीन्स की कल्पना पे बेस्ड होता है, आपके गेस पे बेस्ड होता है कि हाँ आप शायद अपने नोट्स बनाओगे या आप कुछ पढ़ाई करोगे या आप लंच करोगे, आपकी प्रिडिक्शन आपके गेस पे बेस्ड होता है, वो क्या होता है आपका फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस होता है? वो आपका फ्यूचर टेंस होता है। फ्यूचर के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़े, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आता है आपका इंडेफिनेट। इंडेफिनेट को आप सिंपल भी कह सकते हो, ओके देखिए इसका रूल, सब्जेक्ट विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस, सब्जेक्ट विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वी शैल गो टू मार्क्स, हम
हम मार्केट जाएंगे, ये फ्यूचर की बात है कि हम जाएंगे, अभी हम गए नहीं है या हम जाएंगे इन फ्यूचर, हम जाएंगे कितने में जाएंगे वो इस पे डिपेंड है, फ्यूचर पे डिपेंड है, कल्पना है कि हम मार्केट जाएं। सो वी आर विल और शेल लगते हैं, क्या लगते हैं इसमें, विल और शेल लगता है, तो ये हमारा क्या हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। इसमें क्या यूज होता है, विल एंड शेल यूज होता है। करिए इसे, फ्यूचर टेंस बेसिकली क्या होता है, जो हमारी प्रिडिक्शन और गेस पे बेस्ड होता है। ये हमारा सिंपल टेंस था, नेगेटिव देखिए, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट अपलाइज। यहाँ पे नेगेटिव में क्या यूज होता है, नॉट यूज होता है, क्या यूज होता है, नॉट यूज होता है, और ये फ्यूचर टेंस कि मैं अपलाइज नहीं करूंगा, मैं क्या नहीं करूंगा, मैं अपलाइज नहीं करूंगा, आई शैल नॉट अपलाइज। ये क्या हो गया, नेगेटिव में हो गया, सो नेगेटिव में क्या आता है, नॉट आ जाता है। इंटरोगेटिव देखिए, इंटरोगेटिव में क्या आता है, आपका क्वेश्चन मार्क आता है, शैल आई ओपन दी डोर, शैल आई ओपन दी डोर, इसमें क्या आ जाएगा, विल और शैल जो भी होता है वो आपका पहले आ जाएगा, देन बाद में आपका पूरा टेंस चला जाएगा, दैट इज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, देन इसमें क्या आ जाएगा, आपका नॉट आ जाएगा, सिंपल का आपका सिंपल ही रहता है। फ्यूचर टेंस में फर्स्ट जो होता है वो आपका विल और शैल आता है, और वेन आपकी फर्स्ट फॉर्म किस में आती है, प्रेजेंट में आती है, सेकंड फॉर्म आपकी पास्ट में आती है, विल और शैल जो होता है वो आपका फ्यूचर में यूज होता है। इतना क्लियर हो गया, ये आपका सिंपल टेंस था। नेक्स्ट वन देखिए, अब आप नेक्स्ट वन आता है आपका प्रोग्रेसिव टेंस, कौन से आपका प्रोग्रेसिव टेंस है जिसमें कुछ भी चेंज नहीं होता, रेदर देन विल शैल के बाद आ जाता है बी, विल शैल के बाद आ जाएगा बी, और कंटीन्यूअस में कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो हमारा रूल होता है, और विल शैल तो हम पहले अपना सिंपल टेंस में यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कब भी आ जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए इसका, अब शी विल बी आस्किंग, शी विल बी आस्किंग क्वेश्चंस, she will be asking question to us, she will be asking question to us, yes, तो काम चलेगा इन फ्यूचर में, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रही होगी, वो आपसे क्वेश्चन पूछ रही होगी, आपका कंटीन्यूअस क्या होता है, प्रोग्रेसिव होता है, और प्रोग्रेसिव में क्या आ जाता है, सिर्फ क्या ऐड हो जाएगा आपका बी, she will be asking question to us, क्या हो जाएगा, she will be asking question to us, सिंपल टेंस है ये आपका। नेगेटिव देखिए, आपका अफर्मेटिव था, नेगेटिव में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, अब नॉट कहाँ पे आ जाएगा, हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना, शी विल नॉट बी आस्किंग क्वेश्चन टू अस, शी विल नॉट बी आस्किंग क्वेश्चन टू, वो हमसे क्वेश्चन नहीं पूछ रही होगी, उसको क्वेश्चन पूछने का काम नहीं चल रहा होगा, कॉन्टिन्यूटी में नहीं होगा इन फ्यूचर, क्योंकि क्या आ गया, नॉट आ गया, और वो क्वेश्चन पूछ रही होगी इन फ्यूचर में, कॉन्टिन्यूटी में विल इंटरोगेटिव में क्या आ जाएगा, विल शी बी आस्किंग क्वेश्चन टू अस, विल शी
be asking question to us. ओके इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, नोट डाउन करिए. थर्ड वर्क देखिए आप फ्यूचर का. बेसिकली क्या होता है परफेक्ट में हैज हैव या फिर हैड ही यूज होता है मेनली. इसमें भी वही है सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव. वेन कब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म. जैसे कि इसमें है जैसे कि आप परफेक्ट में यूज करते हो. सॉरी मैं आपके परफेक्ट में था फ्यूचर परफेक्ट टेंस है आपका. सब्जेक्ट विल शैल भी क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा. मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा. एग्जांपल देखिए ही विल. आफ्टर दैट क्या आ जाएगा? एग्जांपल की देखिए शी विल हैव. डू नहीं आएगा. डन दिस नेगेटिव देखिए अब इसका. He will not have done this work. उसे अपने ये काम नहीं करा होगा. कंप्लीट नहीं किया होगा. इतना क्लियर हो गया. इंटरोगेटिव देखिए विल पहले आ जाएगा. विल ही हैव डन दिस वर्क? विल ही हैव डन दिस वर्क? विल क्या आ जाएगा आपका? पहले आ जाएगा. क्वेश्चन मार्क. विल ही हैव डन दिस वर्क? क्या ये अपना काम कंप्लीट? हो गया है. फ्यूचर परफेक्ट है. कुछ नहीं आता सिर्फ विल शैल हैव. मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे आपको पता ही है कि परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है. नेगेटिव में नॉट आ जाएगा. इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. दैट्स इट. इसके बाद सिर्फ हमारा एक लास्ट पार्ट रह जाएगा. आई होप नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने. Will
cooking food. She will have cooking. She will have been cooking. She will have been cooking food. वो अपना खाना बनाने का काम फ्यूचर में स्टार्ट करता है, वो फ्यूचर में ही खत्म करेगी. परफेक्ट क्या होता है? बेसिकली परफेक्ट प्रोग्रेस क्या होता है? जो काम जहाँ शुरू कराओ ना वहीं पे खत्म करो. लाइक प्रेजेंट में मैंने आपको पढ़ाना शुरू करा, मैं अभी खत्म, मेरा वो काम अभी भी कॉन्टिन्यूटी में है. पास्ट में आपने वो काम शुरू करा, पास्ट में आपका वो काम कॉन्टिन्यूटी में था. फ्यूचर में आपने ये काम शुरू करा कुकिंग बनाने का, आपने फ्यूचर में आप काम शुरू करोगे, आपके फ्यूचर में वो काम चल रहा होगा. परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करिए. इतना नोट डाउन. देन वी विल मूव टू द नेगेटिव टेंस. नेगेटिव में देखिए आप, शी विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड. शी विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड. वो खाना नहीं बना रही हूँ. और इंटरोगेटिव में आपका जो विल है ये पहले आ जाएगा. विल शी हैव बीन कुकिंग फूड. वो क्वेश्चन पूछती है कि वो क्या वो खाना बना रही होगी. विल शी हैव बीन दी फूड. सो छोटा सा एक बार और फ्यूचर टेंस का भी समराइज कर देते हैं. फ्यूचर टेंस के चार वर्क होते हैं. सबसे पहले आता है आपका इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल टेंस भी कहते हैं, जो कि विल और शैल से होता है. सब्जेक्ट प्लस विल और शैल लग जाता है. इसमें जो काम आपका फ्यूचर में स्टार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? फ्यूचर सिंपल टेंस. सेकेंड आता है आपको प्रोग्रेसिव टेंस, जिसे हम कॉन्टिन्यूस टेंस भी कहते हैं, जो काम आपका फ्यूचर में चलेगा, जो काम आपका फ्यूचर में चलेगा. बेसिकली फ्यूचर टेंस कौन से होते हैं? जिसे की प्रिडिक्शन और गेस पे बेस्ड होते हैं. नेक्स्ट आता है आपका परफेक्ट टेंस, जो काम आपका फ्यूचर में कम्प्लीट हो जाएगा, जो काम आपका फ्यूचर में कम्प्लीट हो जाएगा. एंड लास्ट वन इज अ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या फिर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, जो काम आप फ्यूचर में स्टार्ट करोगे और वो काम आपका फ्यूचर में कॉन्टिन्यूटी में है. इज दैट क्लियर? आप लोगों के टेंस कंप्लीट हो चुके हैं. सो नाउ हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ. थैंक यू.